हाय गाइस, वेलकम टू द क्लास। My telegram channel, please subscribe to the telegram channel. This is my unaccredited profile. Please comment, information, and then please ask me. These are Indian talking to the people. You can see this at YouTube. I am already one of them. Thank you very much. On unaccredited, we are providing the complete service to the community. This is how we provide the complete service to the community. Any other content, like YouTube, एंड दीज आर द डिफरेंट प्लान दैट आर अवेलेबल ऑन दी प्लस, आप इनको चेकआउट कर सकते हो। अब ये सारे प्लान जो है आप 10% डिस्काउंट के साथ एक्सेस कर सकते हो, लेकिन उसके लिए यू नीड अ कोड एंड दैट कोड इज SKUS। वो कोड कौन सा है? SKUS कोड है। वॉइस इज वेरी वेरी क्लियर गाइस, एकदम परफेक्ट, क्रिस्टल क्लियर है। ओके, देन हम जाते हैं आगे। Guys, when you are planning to go on the Iconic, Iconic ke jaane ke liye all the benefits of Plus will be there on Iconic. Along with that, aapko extra personal coach milega, daily mains question answer practice milegi, study planner milega aur personalized feedback milega. To ye char extra benefits aapke add ho jayenge as soon as you go on the Iconic. Iconic ke teen plans available hai. Ye teeno plans agar aapko discounted price mein enjoy karne hai, to aapko SKUS code से 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। हाय साहिल, राधिका गुड मॉर्निंग, रमनदीप गुड मॉर्निंग, शयान का वॉइस क्लियर है। दीज आर द डिफरेंट प्लान्स दैट आर अवेलेबल ऑफ द ऑप्शनल। हियर आल्सो SKUS कोड विल गिव यू 10% डिस्काउंट। अनअकैडमी कॉम्बैट में एनरोल करने के लिए आपको SKUS कोड यूज करना है। दिस अनअकैडमी कॉम्बैट इज गोइंग टू हैपन ऑन 17th of January 2021 at 11 AM शार्प। और इस अनअकैडमी कॉम्बैट में 60 क्वेश्चंस होंगे, 45 मिनट्स होंगे और इट इज लाइक मॉक टेस्ट ऑफ 6 सेक्शंस। ओके, अगर आप फर्स्ट 3 में आते हो तो आपको यूपीएससी सीएससी जीएस का 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल जाएगा। अगर आप फर्स्ट 4 to 150 में आते हो तो आपको 1000 रुपीज का अमेजॉन वाउचर मिल जाएगा। वी आर लॉन्चिंग न्यू बैचेस फॉर 21 प्रीलिम्स ऑन 18th of January ऑन प्लस। तो आपको अगर जेन्युइनली प्रीलिम क्रैक करनी है तो आपने ये बैच अटेंड करनी चाहिए, ज्वाइन करनी चाहिए और ये बैच अटेंड करने के लिए आपको कोड यूज करना है SKUS। उसी तरह हम अगर आप 22 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वी आर लॉन्चिंग बैचेस फॉर ऑफ ऑन 18th of January फॉर 22 ऑल्सो। और ये बैचेस ना आप देखिए तीनों लैंग्वेज में, बायलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश में। ओके सर, आई एक्चुअली स्किप 11 AM सेशन। आई नो साहिल, this is for the first time that you are in the
11 AM सेशन, और आपको बड़ा मजा आएगा आज देखना। ये 18 जनवरी की 23 के लिए बैचेस है हिंदी इंग्लिश में और बायलिंगुअल। ये 18 जनवरी की एनसीईआरटी को भी बैचेस हम लॉन्च करने वाले। एवरीथिंग इज ऑन द प्लस, एंड फॉर गोइंग ऑन द प्लस यू नीड अ कोड, एंड दैट कोड इज SKUS। नेक्स्ट गाइज, इफ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर ऑप्शनल एज वेल एज GS सब्सक्रिप्शन, तो आइकॉनिक GS और प्लस ऑप्शनल 12 मंथ के लिए इतना कॉस्ट करेगा, 24 के लिए इतना और 36 के लिए इतना। एंड एवरीवेयर यू कैन एंजॉय 10% डिस्काउंट विद द हेल्प ऑफ दिस कोड SKUS कोड आपको 10% डिस्काउंट देगा। और अगर आप GS का भी प्लस लेते हो और ऑप्शनल का भी प्लस लेते हो, तो उस केस में अगेन 12 मंथ के लिए ये अमाउंट, 24 के लिए ये और 36 मंथ के लिए इतनी अमाउंट है, अगेन SKUS कोड क्या करता है आपको 10% डिस्काउंट देता है। देन आइकॉन की प्राइस 25 जनवरी 2021 को राइज होने वाली है। प्राइस ऑफ आइकॉनिक विल बी हाइक्ड ऑन 25 जनवरी 2021। तो आपको जो है आइकॉनिक पे जल्दी जाना है क्योंकि बाद में प्राइस हाइक हो जाएगी, ठीक है। देख लीजिए, अब हम जा रहे हैं 24 नवंबर 2020 के इको हो रहा है। गुड मॉर्निंग आयशा रघवी एंड सिद्धार्थ सुब्रत, सॉरी सुब्रत, गुड मॉर्निंग। तो आइए यहाँ पे बहुत केयरफुली सुनना है। 24 नवंबर को एक आर्टिकल था, उस आर्टिकल का नाम था लॉस्ट एंड फाउंड, ओके। एनिमल प्लैनेट पे, अब एनिमल प्लैनेट वालों ने मुझे पैसे देने चाहिए क्योंकि मैं उनका प्रमोशन करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो एनिमल प्लैनेट पे एक प्रोग्राम आता है एक्सटिंक्ट और अलाइव सीजन 2 चल रहा है, और ये प्रोग्राम रन करता है फॉरेस्ट गैलेंटे, ठीक है, जिसने मोस्ट ऑफ द लाइफ अफ्रीका में स्पेंड की चाइल्डहुड, बाद में वो जिम्बाब्वे से भागकर कैलिफोर्निया में सेटल हो गए। गुड मॉर्निंग प्रदीप, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, एक एक एनिमल इस आर्टिकल में सबसे पहले उन्होंने मेंशन किया था थाइलासाइन को, क्या आपने ये नाम कभी सुना है थाइलासाइन? जैसे राहुल नाम तो सुना ही होगा, लेकिन थाइलासाइन नाम तो आपने कभी नहीं सुना। तो ये थाइलासाइन है ना, इसी को हम कहते हैं टास्मानियन टाइगर, एंड इट इज अ एक्सटिंक्ट स्पीसीज। गाइस, जब आप एनवायरनमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ओके। तो टास्मानियन टाइगर और थाइलासाइन, अब देखिए उनको अगर सिंपल करना है तो वो पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज एक्सटिंक्ट, और ऑप्शन में देंगे टास्मानियन टाइगर, उसके बाद इंडियन चीता वगैरह। और अगर इसी को डिफिकल्ट करना है तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग टास्मानियन टाइगर, ये वर्ड यूज करने की जगह वो यूज करेंगे थाइलासाइन। सेम क्वेश्चन, सेम टॉपिक, डिफिकल्ट एंड सिंपल। थाइलासाइन यूज किया 50% नहीं, 70% बच्चों को पता ही नहीं है कि टास्मानियन टाइगर को ही थाइलासाइन कहते हैं। याद रखिए, थाइलासाइन और टास्मानियन टाइगर इज द कार्निवोरस मार्सुपियल, वेरी इंपॉर्टेंट। कार्निवोरस था और वो मार्सुपियल था। मार्सुपियल का मतलब बताइए आप, एनिमल्स हु हैव पाउच, कांगारू इज अ मार्सुपियल। ओके गाइस, नाउ आई एम रेडी, कंप्लीटली रेडी। सुनिए, पहला पॉइंट, थाइलासाइन, अनदर नेम ऑफ थाइलासाइन इज टास्मानियन टाइगर। सुन रहे हो या सो रहे हो? टास्मानियन टाइगर। तो ये जो थाइलासाइन या टास्मानियन टाइगर है ना, ये एक्सटिंक्ट है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये कार्निवोरस था, ये क्या था? कार्निवोरस था। तीसरा पॉइंट, ये क्या था? मार्सुपियल था। और आपको पता है मार्सुपियल्स कौन से कंटिनेंट में मिलते हैं? बताओ, मार्सुपियल्स आपको कौन से कंटिनेंट में मिलते हैं? ये आप आंसर करोगे। जो मैमल्स होते हैं ना, मैमल्स को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जो आपको पता है। एक होते हैं प्लासेंटल्स जैसे ह्यूमन, एक होते हैं मार्सुपियल जैसे टास्मानियन टाइगर और कंगारू और कोला जो ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, और एक होते हैं मोनोट्रीम्स, दैट इज एग लेइंग मैमल्स। ये दो ही है, एक है इकिडना और दूसरा है डगबीट प्लैटिपस। वेरी गुड राधिका, सरित प्रीतम दुबे, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड। तो ये मार्सुपियल है, कार्निवोरस है एंड एक्सटिंक्ट है, एंड इट इज नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया। हमें लास्ट जो है ना, लास्ट टास्मानियन टाइगर 1936 में एक जू में उसकी डेथ हो गई, उसके बाद ये टास्मानियन टाइगर क्या हो गया?
एक्सटिंक्ट हो गया कंप्लीटली फ्रॉम दी अर्थ. तो आपको एक स्पीसीज के बारे में पता चला एक्सटिंक्ट फ्रॉम दी अर्थ, वो कहाँ मिलती है, हेलो जूही, वो कहाँ की नेटिव है, वो कार्निवर से मार्सुपियल है, अनदर नेम इज थाइलासाइन. तो देख लीजिए, दिस इज टास्मानियन टाइगर. इट इज एक्चुअली अ स्पीसीज लाइक अ डॉग, लेकिन उस पर ये स्ट्रिप्स है ना, इसलिए हम इसको टाइगर कहते हैं. ये एक्चुअली इट इज नॉट अ टाइगर, इट इज नॉट अ सब स्पीसीज ऑफ टाइगर. टास्मानियन टाइगर इज नॉट अ सब स्पीसीज ऑफ टाइगर. इंस्टेड ये जो है आपकी डॉग्स में आता है, डॉग से, डॉग का ज्यादा क्लोज रिलेटिव है. फाइन, टास्मानियन टाइगर. ये देख लीजिए, ये मार्सुपियल क्यों है, देखिए इसके बॉडी में, ये देखिए यहाँ पे पाउच है और इस पाउच में उसका बेबी रखता है वो, इसलिए आप इसे मार्सुपियल कहते हो. गुड मॉर्निंग शालिनी कुमारी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड राधिका. ओके, दिस इज अबाउट द थाइलासाइन और द टास्मानियन टाइगर, क्लियर. चलिए आगे, ये देखिए ओशियानिया में क्या क्या आता है, आपको ज्योग्राफी मैपिंग के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओशियानिया इज अ कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया इज नॉट अ कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया इज अ कंट्री. अंजलि बेबन, गुड मॉर्निंग. ओशियानिया इज अ कॉन्टिनेंट, इसमें आता है आपका ऑस्ट्रेलिया, देन आता है न्यूजीलैंड, उसके बाद आता है मेलेनेशिया, ये देखिए मेलेनेशिया आता है, मेलेनेशिया, देन आता है माइक्रोनेशिया, उसके बाद आता है पॉलिनेशिया. दीज आर द पार्ट्स ऑफ ओशियानिया, ये ओशियानिया के पार्ट है, और ये रहा आपका टास्मानिया, इट इज पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ये कोई सेपरेट कंट्री नहीं है, टास्मानिया इज पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, और ये टास्मानिया भी आपको टास्मानियन टाइगर मिलेगा, ठीक है. उसके बाद ये टास्मन सी देख लीजिए, कोरल सी यहाँ पे है, साउथ पैसिफिक ओशियन, ये अर्पुरा सी, टिमोर सी देख लीजिए, टिमोर सी इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, अर्पुरा सी ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में है, टास्मन सी ऑस्ट्रेलिया के साउथ में है, कोरल सी ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में है. मैं कल एक भी क्लास नहीं लगा पाई किसी रीजन से. ओके फाइन, इज इट ऑल्सो कॉल्ड टास्मानियन उल्फ? यस, यू कैन कॉल दैट शयान, यू कैन कॉल दैट टास्मानियन उल्फ, बट इट इज मेनली अ टास्मानियन टाइगर, उल्फ अलग होगा, क्लियर. ये हो गया आपका टास्मानियन टाइगर. अब टास्मानियन टाइगर या फिर थाइलेसिन पे कोई भी क्वेश्चन आए आपका कभी गलत नहीं जाएगा. अब आइए आगे, लॉस्ट एंड फाउंड. इसी तरह और एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज है, ओली रिनोज आर एक्सटिंक्ट एंड जायंट स्लॉथ्स आर एक्सटिंक्ट. तो इनके बारे में देखते हैं. ये टास्मानियन टाइगर तो भी 1936 में एक्सटिंक्ट हुआ. ये ओली रिनो एंड जायंट स्लॉथ दे वेंट एक्सटिंक्ट लाइक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो. तो ओली रिनोज, इट इज द एक्सटिंक्ट स्पीसीज ऑफ रिनोज दैट वॉज कॉमन थ्रू आउट द यूरोप एंड नॉर्दर्न एशिया. तो ये ओली रिनोज आपको यूरोप में मिलते थे, टेम्परेट रीजन में, ऑब्वियसली ओली है मतलब टेम्परेट रीजन में, एंड नॉर्दर्न एशिया मतलब रशिया वाला पार्ट, यहाँ पे आपको मिलेंगे. और दे उन्होंने प्लिस्टोसिन इपोक में सर्वाइव किया था, लास्ट ग्लेशियल पीरियड, वहां तब वो हमें मिलते थे, अब हमें वो नहीं मिलते. एक्सटिंक्ट स्पीसीज है ओली रिनोज, दीज आर द ओली रिनोज. ओके, ओली रिनोज एक्सटिंक्ट स्पीसीज पता चल रही है आपको. थाइलासाइन और टास्मानियन टाइगर एक्सटिंक्ट है, ओली रिनोज एक्सटिंक्ट है, देन जायंट स्लॉथ. अभी जो जायंट स्लॉथ है, इट इज द लार्जेस्ट नोन ग्राउंड स्लॉथ एज बिग एज मॉडर्न एलिफेंट, एंड जो है ये बहुत मैमोथ होता था, बहुत बड़ा होता था, ठीक है. देख लीजिए, ये रहा आपका जायंट स्लॉथ, ये रहा आपका जायंट स्लॉथ, और उसके बाद पिग्मी हिप्पो. नाउ गाइज, दिस पिग्मी हिप्पो इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रिलिम्स 2021, क्योंकि ये प्रिलिम्स में पूछ सकते हैं. पिग्मी हिप्पो पूछ सकते हैं, टास्मानियन टाइगर पूछ सकते हैं. ये वुली मैमोथ और आपका जो जायंट स्लॉथ है ये नहीं पूछेंगे, लेकिन ये जरूर पूछेंगे. पिग्मी हिप्पो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है. देन आपको ये रियो अटापोरिस कैमन ये भी पूछ सकते हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिलिमिनरी प्रिलिम्स 2021. इसी को हम कहते हैं एशियन यूनिकॉर्न. ये दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, द एशियन यूनिकॉर्न एंड द पिग्मी हिप्पो. तो एक बार वन बाय वन पहले हम देखते हैं पिग्मी हिप्पो. देखिए, पिग्मी हिप्पो इज अ स्मॉल हिप्पोपोटामिड, मतलब ये हिप्पोपोटामस है. ओके, हिप्पोपोटामस है जो आपको मेनली मिलता है वेस्ट अफ्रीका में, वेस्ट अफ्रीका में भी, प्राइमरीली भी मिलता है आपको लाइबेरिया में, और इनकी छोटी पॉपुलेशन आपको सियेरा लियोन, गुयाना और आइवरी कोस्ट में मिलेगी. इसी रीजन में आपको इबोला वायरस का स्प्रेड मिला होगा, आपने अगर कभी पढ़ा होगा तो वेस्ट अफ्रीका में ही आपको इबोला वायरस मिलता था. तो ये वेस्ट अफ्रीका में मिलता है, मतलब ये अभी भी सर्वाइव करता है सियेरा लियोन, गुयाना, आइवरी कोस्ट और लाइबेरिया में. ये रेक्लूसिव और नॉक्चुरनल होता है, मतलब ये सिर्फ नाइट में बाहर निकलता है,
और ये अकेला रहना पसंद करता है। इसे पसंद नहीं है कि कोई इस किसी के साथ रहना, ये अकेला रहना पसंद करता है। जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट्स को भी तो अकेले रहना पसंद है ना, वो किसी के साथ रहना पसंद नहीं करते। तो ये हो गया आपका पिग्मी हॉक के बारे, पिग्मी हिप्पोपोटास हिप्पो के बारे में। अब हमारे वर्ल्ड में देखिए सिर्फ दो स्पीसीज मिलती है हिप्पोपोटामस की इस फैमिली हिप्पोपोटामिडी में, एक है कॉमन हिप्पोपोटामस और जिसको आप नाइल हिप्पोपोटामस कहते हो, जो आपको टीवी पे नॉर्मली दिखता है, और दूसरा है पिग्मी हिप्पोपोटामस। ओके, दिस इज द ब्यूटीफुल क्रिएचर। ओके, इट इज सेमी एक्वेटिक। तो देखिए इट इज नॉक्चुरनल, इट इज सेमी एक्वेटिक एंड इट इज फाउंड इन द वेस्ट एशिया, सॉरी वेस्ट अफ्रीका में मिलेगा आपको ये, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं सर, कल एक भी क्लास नहीं ला। ओके रिद्धि, ऑप्शनल पेपर कब है? टाइम टेबल देखना पड़ेगा, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। हर एक ऑप्शनल अलग अलग डेट होती है रिद्धि, एक ही दिन पे सारे ऑप्शनल नहीं होते, ठीक है। पिग्मी हिप्पो हर्बिवोरस है, सेमी एक्वेटिक है। देखिए अब मैं पिग्मी हिप्पो की बातें बताता हूँ। पहले सबसे पहले पिग्मी हिप्पो इज हर्बिवोरस। आप मुझे ये टास्मन टाइगर का बताओ, या टास्मानियन टाइगर, इधर मैं पिग्मी हिप्पो को लिखता हूं, आप टास्मानियन टाइगर का लिखिएगा। ओके, पिग्मी हिप्पो इस साइड और टास्मानियन टाइगर इस साइड। और थायसीन इस साइड, ठीक है। चलो आंसर करो। नंबर वन, पिग्मी हिप्पो हर्बिवोरस है, तो टास्मानियन टाइगर पिग्मी हिप्पो रेक्ल्यूज और नॉक्चुरनल है, रेक्ल्यूज और नॉक्चुरनल है। और टास्मानियन टाइगर पिग्मी हिप्पो सेमी एक्वेटिक है, और टास्मानियन टाइगर पिग्मी हिप्पो आपको मिलता है वेस्ट अफ्रीका में, आपको ये कहां मिलता है, वेस्ट अफ्रीका में। और टास्मानियन टाइगर, सो देखिए टास्मानियन टाइगर इज कार्निवोरस, और ये डायरनल था, दिन में रहता मिलता था आपको मेनली, देन ये टेरेस्ट्रियल है और ये एक्सटिंक्ट है, वाइल पिग्मी हिप्पो इज नॉट एक्सटिंक्ट। पिग्मी हिप्पो इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये वेस्ट अफ्रीका में मिलता था, ये टास्मानिया में मिलता था, दैट इज ऑस्ट्रेलिया, टास्मानिया ऑब्लिक ऑस्ट्रेलिया में मिलता था, और ये एक्सटिंक्ट है। ये हो गए आपके दो, एक एक्सटिंक्ट और दूसरा क्रिटिकली एंडेंजर्ड पिग्मी हिप्पो। ये है पिग्मी हिप्पो, ब्यूटीफुल क्रिएचर, एकदम छोटा सा, अकेला रहना पसंद करता है, ठीक है। और ये है आपका वेस्ट अफ्रीका। वेस्ट अफ्रीका किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए, मॉरिटानिया इज पार्ट ऑफ वेस्ट अफ्रीका, वेस्टर्न सहारा इज पार्ट ऑफ वेस्ट अफ्रीका, माली इज पार्ट ऑफ वेस्ट अफ्रीका, मोरक्को मेडिटेरेनियन अफ्रीका में आता है, ठीक है। माली इज पार्ट ऑफ द वेस्ट अफ्रीका, नाइजर इज पार्ट ऑफ द वेस्ट अफ्रीका, नाइजीरिया इज पार्ट ऑफ वेस्ट अफ्रीका, देन बेनिन, टोगो, घाना, आइवरी कोस्ट, उसके बाद गुयाना, लाइबेरिया, सियेरा लियोन, ये रहा आपका गुयाना, और फिर बाद में गुयाना बिसाओ और सेनेगल और गाम्बिया, दीज आर द कंट्रीज इन वेस्ट। सर वॉइस इज नॉट कमिंग, रितीश जिंदाल इज सेइंग सर वॉइस इज नॉट कमिंग, इज इट गाइस, आवाज नहीं आ रही है क्या? सो ये वेस्ट एशियन कंट्रीज है, आप यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से कंट्री को कोस्ट लाइन है। नाइजर इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, नाइजर इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, माली इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, बाकी सारे, देन बुर्किना फासो इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, बुर्किना फासो इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, देन देखिए सेनेगल को कोस्ट लाइन है, मॉरिटानिया को कोस्ट लाइन है, गाम्बिया को कोस्ट लाइन है, गुयाना बिसियो को कोस्ट लाइन है, गुयाना को कोस्ट लाइन है, सियेरा लियोन को कोस्ट लाइन है, लाइबेरिया को कोस्ट लाइन है, आइवरी कोस्ट को कोस्ट लाइन है, घाना को कोस्ट लाइन है, टोगो को कोस्ट लाइन है, बेनिन को कोस्ट लाइन है, और नाइजीरिया को भी कोस्ट लाइन है। तो इन सबको कोस्ट लाइन है, बस आपकी जो है
नाइजीरिया, माली और बुर्किना फासो ये लैंडलॉक कंट्रीज है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे याद रखिए, ये जो नाइजर रिवर है ना, ये ओरिजिनेट होती है सियारा लियोन और गुयाना के बॉर्डर पे, और ये फ्लो होती है गुयाना, माली, नाइजर, देन ये बाउंड्री फॉर्म करती है बेनिन और नाइजर के बीच में, देन इट एंटर्स इनटू नाइजीरिया और यहाँ पे ये गल्फ ऑफ गुयाना में अटलांटिक ओशियन में जाकर मर्ज हो जाती है। ठीक है, क्लियर। ये वेस्ट अफ्रीका है। अब इसमें आपको कहाँ कहाँ मिलते हैं ये पिग्मी हिप्पो? गुयाना में मिलेंगे, सियारा लियोन में मिलेंगे, लाइबेरिया में मिलेंगे, और दूसरे कंट्रीज क्या देखे थे हमने, सियारा लियोन, गुयाना, आइवरी कोस्ट एंड लाइबेरिया, और दूसरा आइवरी कोस्ट। तो ये आइवरी कोस्ट, लाइबेरिया, सियारा लियोन एंड गुयाना, इन चार कंट्रीज में आपको ये पिग्मी हॉक मिलते हैं, या पिग्मी जो भी नाम है पिग्मी हिप्पोज मिलते हैं। क्लियर, चलिए आगे। तो ये आपका हो गया पिग्मी हिप्पो और वेस्ट अफ्रीका हो गया। अब हम आते हैं रियो अपापोरिस कैमन। अभी जो रियो अपापोरिस कैमन है इसको हम कहते हैं, दूसरा नाम है इसका एशियन यूनिकॉर्न, एशियन यूनिकॉर्न। ओके, दिस इज द अनदर नेम ऑफ रियो अपापोरिस। अब ये जो रियो अपापोरिस कैमन है, इट इज अ क्रोकोडाइल, वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, इट इज अ क्रोकोडाइल। Fine. It is a, it has with a unique elongated snout and light yellow skin. This crocodilian looks unlike any other in the world. एकदम यूनिक लुक है इसका। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, 1980s के बाद वी थॉट कि दिस क्रोकोडाइल इज एक्सटिंक्ट, हमें लगता था कि ये क्रोकोडाइल एक्सटिंक्ट है। ठीक है, रियो अपापोरिस कैमन या क्रोको, ये क्रोकोडाइल हमें लगता था एक्सटिंक्ट है, लेकिन ये जो एनिमल प्लैनेट वाला है, गुड मॉर्निंग लिप्सा रानी, वेरी गुड मॉर्निंग, एनिमल प्लैनेट वाला जो प्रोग्राम है एक्सटिंक्ट और अलाइव, इस बंदे ने 2019 में इस क्रोकोडाइल को कोलंबिया में फिर से एक बार मतलब डिटेक्ट किया, पता चला, और हमें पता चला कि इट इज नॉट अ एक्सटिंक्ट स्पीसीज। ओके, इट इज नॉट अ एक्सटिंक्ट स्पीसीज, रियो अपापोरिस कैमन इज नॉट अ एक्सटिंक्ट स्पीसीज। देखिए, दिस इज द रियो अपापोरिस कैमन क्रोकोडाइल। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर, सुबह बखैर। वालेकुम अस्सलाम निशी खान, वालेकुम अस्सलाम। ओके, ये है आपकी क्रोकोडाइल रियो अपापोरिस कैमन, ये आपको मिलती है कोलंबिया में, देख लीजिए। This is the area where you can find this crocodile and it is controlled by the rebels. Now this is a rebel controlled. ठीक है, this is rebel controlled. How Ritesh Jindal, you know that I am not replying you. I already spoke about the voice issue. Actually आपको आवाज आ रही है but आप सिर्फ spam कर रहे हो. Okay? सुनिए, अब मैं आपको कुछ question पूछने जा रहा हूँ. South Africa में total countries कितनी है बताइए. How many countries in South Africa are landlocked? Then मैं आपको कुछ नाम बताने वाला हूँ। लानोस क्या है? What is लानोस? उसके बाद ये बताइए। कंपोज क्या है? उसके बाद ये बताइए। पंपास क्या है? उसके बाद ये बताइए। Then पैटागोनिया क्या है? पैटागोनिया क्या है? ठीक है? Yes. Yes, Veda, I am explaining this in English only. So there are total 12 countries in South Africa. Two countries are landlocked. This is Bolivia. Bolivia is a landlocked country and this is Uruguay. Bolivia and Uruguay, these are the two landlocked countries in South Africa. South America, sorry. Uruguay, they are landlocked. Two countries are landlocked, Ramandi. Then Llanos, it is a tropical grassland that is found in Venezuela. This is Venezuela. After that, sir, I am from Pakistan and I am new here to learn about this specific animal. So, thank you. Seriously, Mishikan? Seriously? Then, compose. This is a... seriously, it's beyond my understanding. Brazil. You will find this in Brazil. Brazil naam ki country mein milega. Or, compose is a tropical grassland again. Pampas, you will find these pampas in Argentina. And Paraguay, and it is a temperate grassland. It is a temperate grassland. Pampas temperate Ramandi, and Patagonia, it is a cold desert, and this Patagonian cold desert is spread across Chile and the Argentina. Okay, Chile and Argentina mein spread hai. Clear? So ye ho gaya aapka
रियो एपापोरिस कैमन, याद रखिए इस नाम से आपको कंफ्यूज ना हो जाए, याद रखिए इट इज अ क्रोकोडाइल, ओके, इट इज अ क्रोकोडाइल, क्लियर, वेरी गुड। अब हम आते हैं एशियन यूनिकॉर्न पे, अनदर नेम ऑफ दिस एशियन यूनिकॉर्न इज साओला, अनदर नेम ऑफ दिस एशियन यूनिकॉर्न इज साओला। नाउ दिस इज अ प्योरली वाइल्ड एनिमल, मीन्स यू विल नॉट फाइंड दिस एनिमल एनीवेयर इन कैप्टिविटी, पहला पॉइंट। It is critically endangered. Saola is a critically endangered animal. Then documented Saola in the wild only on 4 occasions. तो आप समझ सकते हो how recluse it is. इतना reclusive है ये. अब तक हमें 4 बार दिखा ये wild में. Saola, Asian unicorn, critically endangered, non-existing captivity. It is like documented this only at 4 occasions till date, और ये आपको मिलता है वियतनाम में, कंट्री का नाम याद रखिए, यू विल फाइंड दिस इन वियतनाम, ओके। तो मैं आपको कंट्रीज के नाम पूछूंगा, आप बताओगे, बताइए पहला टास्मन टाइगर, टास्मानियन टाइगर कौन से कंट्री में मिलता था, टास्मानियन टाइगर विच इज अ एक्सटिंक्ट स्पीसीज नाउ, विच इज अ एक्सटिंक्ट कार्निवोर, we used to this Tasmanian tiger was present in which country, then second हमने किया था pygmy hippo, where you can find this pygmy hippo, after that where you can find this Asian unicorn, very good, where you can find this that caiman और क्रोकोडाइल, वो हमें कौन से कंट्री में मिलती है, तो गाइस टास्मानियन टाइगर ऑस्ट्रेलिया, पिग्मी हिप्पो वेस्ट अफ्रीका, एशियन यूनिकॉर्न वियतनाम, एंड दिस क्रोकोडाइल इन कोलंबिया, क्रोकोडाइल इज प्रेजेंट इन द कोलंबिया। इतने ही एनिमल किए हैं ना हमने, द पिग्मी हॉक, जायंट स्लॉथ और ये वुली रिनोस, ये तो बहुत पहले एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। चलिए आगे, सो ये आपको मिलेगा वियतनाम में, दिस इज द ब्यूटिफुल एशियन एशियन यूनिकॉर्न, एशियन यूनिकॉर्न, इसके ये देख लीजिए कितने लॉन्ग है हॉर्न्स, वेरी लॉन्ग हॉर्न्स, ओके फाइन। सो ये देखिए, ये आपको यहाँ मिलता है वियतनाम में, वियतनाम और लाओस के बॉर्डर पे, ये जो पूरा फॉरेस्टेड एरिया है, प्रोबेबल साओला डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबल बोल रहे हैं, कन्फर्म भी पता नहीं है, वी डोंट नो, क्योंकि वो जल्दी हमें मिलता ही नहीं है। अब मुझे बताइए विच कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन इंडो चाइना, विच कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन इंडो चाइना, इंडो चाइना में कंट्रीज आती है लाओस, इंडो चाइना में कंट्री आती है वियतनाम, इंडो चाइना में कंट्री आती है थाईलैंड, इंडो चाइना में कंट्री आती है कंबोडिया, दिस 4 कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन इंडो चाइना, ओके, इन 4 कंट्रीज को हम इंडो चाइना में, राधिका मोरे बिकॉज ऑफ द लेंथ वी कॉल देम यूनिकॉर्न, they have 2 horns but because of the length we call them unicorn, okay, then mujhe bataiye which river flows through the Indochina, which river flows through the Indochina, name of the river, the name of the river is Mekong river, Mekong river flows through Indochina, aur Irrawaddy river kahan se flow hoti hai ye bhi bata dijiye, Irrawaddy river flows through Myanmar, aur jise aap Brahmadesh kehte ho, dono river originate hoti hai Tibet mein, both these rivers originate in Tibet, let's go ahead, lost and found में, then Zanzibar leopard के बारे में भी यहाँ पे उन्होंने mention किया था, and female Fernandina Iceland tortoise, female Fernandina Iceland tortoise and Zanzibar leopard, देख लीजिए this is Zanzibar leopard, we thought it is extinct, हमें लगा था कि ये extinct है, but it is not extinct, now you can easily find this, Zanzibar leopard is present, it is not extinct. After that, this Zanzibar leopard population on Unguja Island in the Zanzibar archipelago, Tanzania, मतलब again, ये Zanzibar Island आपको अफ्रीका में मिलेगा, वहीं पे आपको ये leopard भी मिलता है. It is a carnivore, it is an apex predator. आपका वो जो Tasmanian tiger था, वो भी apex predator ही था, ये भी apex predator ही है. ठीक है? तो आपको ये Zanzibar में मिलेगा. Increasing conflict between people and leopards in the 20th century led to the demonization of the Zanzibar leopard and determined attempts to exterminate it. But efforts to develop a leopard conservation program in mid-1990s were shelved.
when wildlife researchers concluded that there was little prospect for the population's long-term survival, but in 2018 a leopard was recorded by a camera trap. कैमरा ट्रैप से हमने एक लियोपार्ड रिकॉर्ड किया और हमें पता चला कि यस दिस ज़ंजिबार लियोपार्ड एग्जिस्ट, वो एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है. गाइस जस्ट गिव मी अ मिनट, ओनली अ मिनट. फाइन, देन दिस इज द ज़ंजिबार गाइस, ये देख लीजिए ज़ंजिबार आइसलैंड. This is Zanzibar Island off the coast of Tanzania. This is यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ आपको Zanzibar Island मिलेगा. ये Tanzania है और यहाँ पे आपको Zanzibar Island मिलेगा. Tanzania की कैपिटल है Dar es Salaam. तो ये रहा Tanzania, Kenya, Ethiopia, Somalia, Kenya, Tanzania. Okay? और ये Zanzibar Island, इस पे आपको ये Zanzibar Leopard मिलता है. Fine? Clear? चलिए आगे देख लीजिए, ये कंट्रीज मैं आपको पूछूंगा एक बार, इनको ऑब्जर्व कर लीजिए. मोजाम्बिक्यू, मालावी, और ये मालावी है, उसके बाद ये जाम्बिया है, ये जिम्बाब्वे है. ये जिम्बाब्वे में ही वो एनिमल प्लैनेट वाला रहता था, जिम्बाब्वे में ही वो एनिमल प्लैनेट वाला रहता था जिसने बहुत सारी एक्सटिंक्ट स्पीसीज फाइंड आउट की है. तो अब आप मुझे इन कंट्रीज के नाम बताओगे, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंट्री. मैं नंबर्स डाल रहा हूँ, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंट्री. What is the name of this country? What is the name of this country? What is the name of this country? चलो बताओ इन कंट्रीज के नाम. एक नंबर पे जो है वो है आपको मोजाम्बिक्यू, दो नंबर पे है मालावी, तीन नंबर पे है जाम्बिया, चार नंबर पे है जिम्बाब्वे, पांच नंबर पे है साउथ अफ्रीका, छह नंबर पे है बोट्सवाना. देख लीजिए, बोट्सवाना इज अ लैंडलॉक कंट्री, जिम्बाब्वे इज अ लैंडलॉक कंट्री, जाम्बिया इज अ लैंडलॉक कंट्री. ओके, ये लैंडलॉक कंट्री है. सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक इज अ लैंडलॉक कंट्री, चाड इज अ लैंडलॉक कंट्री, नाइजर इज अ लैंडलॉक कंट्री, माली इज अ लैंडलॉक कंट्री, बुर्किना फासो इज अ लैंडलॉक कंट्री. ये अलग अलग लैंडलॉक कंट्रीज है अफ्रीकन कंटिनेंट की. ये आपका रहा ज़ंजिबार आइसलैंड, यहाँ पे देख सकते हो आप ज़ंजिबार आइसलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ तंजानिया. यहाँ पे आपको ज़ंजिबार लियोपार्ड मिलेगा, विच वी थॉट इट इज एक्सटिंक्ट बट इट इज नॉट एक्सटिंक्ट. ओके, नेक्स्ट आता है ये फर्नांडिना आइसलैंड गैलापागोस टॉर्टोइस. फर्नांडिना आइसलैंड गैलापागोस टॉर्टोइस, ये आपको गैलापागोस आइसलैंड से मिलेगा. सो द स्पीसीज ऑफ गैलापागोस टॉर्टोइस दैट वाज डिस्कवर्ड इन 1906, वी थॉट इट इज एक्सटिंक्ट नाउ, बट 2019 में हमें एक सिंगल फीमेल मिली. ये देखिए, ये सिंगल फीमेल हमें इसने ढूंढ के दी. ये अभी तक हम जिन एनिमल की बात कर रहे हैं ना, ये सारे एनिमल इसने ढूंढे हैं. तो इसने ढूंढी तब हमें पता चला कि ओके इट इज नॉट एक्सटिंक्ट. और ये जो गैलापागोस आइसलैंड से ये आपको मिलते हैं, गैलापागोस आइसलैंड सब लोकेटेड हियर, मतलब साउथ अफ्रीकन कंटिनेंट के नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है. देख लीजिए, ये है फर्नांडिना आइसलैंड. इस फर्नांडिना आइसलैंड पे ये टॉर्टोइज मिलता है, इसलिए हमने इसे कहा फर्नांडिना आइसलैंड टॉर्टोइज. ठीक है, इसी गैलापागोस आइसलैंड पे आपको वो गैलापागोस टॉर्टोइज में मिलेंगे, दुनिया के सबसे लार्ज टॉर्टोइज भी आपको वहीं पे मिलेंगे. तो ये इक्वेटर नाम का कंट्री है और यहाँ पे गैलापागोस आइसलैंड है, विच इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट. गैलापागोस